धम्मपद संघ जो है, सबसे पहले जी किसी भी व्यक्ति से धम्मपद संघ में उसने क्यों मीटिंग ज्वाइन की, उसका उद्देश्य क्या है, उससे पूछता है। अगर वैसे ही आ गया है तो फिर धम्मपद संघ जो है अपना उद्देश्य बताता है, फिर धम्मपद संघ उसका उद्देश्य पूछता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका सामाजिक धार्मिक काम करने का कोई उद्देश्य है या नहीं है, और क्या जो धम्मपद संघ का उद्देश्य है उस उद्देश्य से आप सहमत हैं, क्या आप उस उद्देश्य के लिए काम करना चाहते हैं। जब वो ये हाँ कर देता है कि हाँ मैं धम्मपद संघ के उद्देश्य से सहमत हूँ और मैं भी यही उद्देश्य रखता हूँ अपने जीवन में, तब उस सदस्य को जो है आगे बाकी की बात आ जाती है। फिर उससे बताई जाती है योजना कि आपके पास कोई योजना है क्या, पहले उससे पूछा जाता है आपके पास क्या कोई योजना है जिससे आप भारत को बौद्ध में कर सकते हैं, क्योंकि ये सपना तो हर एक बौद्ध का है कि भारत बौद्ध में हो जाए, लेकिन योजना किसने बनाई है डिपेंड करेगा उस पर कि क्या वास्तव में उसकी जो उसका जो सपना है वो साकार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर धम्मपद संघ जब उसके पास कोई योजना नहीं है तब अपनी योजना उसको बताता है कि हमारी ये जो योजना है इस योजना पर चलकर हम इस तरह से भारत को बौद्ध में बना सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी हमारे साथ में मौजूद हैं, वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी बताएंगे क्या मुझे कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं क्या उन्होंने आपसे ऐसा सवाल किया था जुड़ते वक्त जो है। जी आदरणीय नमोदा जय भीम। ऐसा प्रश्न शायद मैं समझता हूँ कोई भी संस्था नहीं करती है हमारे दंपत के अलावा। जी, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ ईमानदारी की बात है कि अगर वास्तव में हमें योजना को पूरा करना है, योजना को सफल करना है, तो जो भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है उसका एक उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य कोई नहीं आता। और अगर कोई बिना उद्देश्य आया है और उसका कोई उद्देश्य हम नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट फिट फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे संघ के लिए फिट है ही नहीं, तो उसको जो है या तो बाहर कर दिया जाए या फिर बस मीटिंग ज्वाइन करते रहो भाई, लेकिन आपके ऊपर कोई हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, कोई हम जो है आपको ना तो आचार्य बना पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग आते हैं मीटिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ उनको रूखा सूखा दिखाई देता है चले भी जाते हैं, थोड़ी देर ज्वाइन करेंगे फिर चले जाएंगे। तो पहली बात कि आपका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, दोनों का एक उद्देश्य है तो उसको योजना क्या है, योजना है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बस धम्मपद संघ जो है पूरी ईमानदारी के साथ में इस प्रकार से ये जो है काम करता है। तो संगठन के विषय में, संगठन नया हो या पुराना, बात ये आती है कि उसका उद्देश्य क्या है। अब वो बात आती है कि बाबा साहब का संगठन बहुत पुराना है, तो बाबा साहब ने भी जिस समय संगठन बनाया होगा तो उनका भी बहुत बड़ा उद्देश्य रहा होगा, और वो उद्देश्य बाबा साहब ने एक विधान भी बनाया था। अगर भारतीय बौद्ध महासभा की बात करें, बुद्धिस्ट सोसाइटी की बात करें, तो बाबा साहब ने एक संविधान भी बनाया था उसका। उस संविधान को हम सबसे पहले पढ़े और समझे कि बाबा साहब उस समय क्या सोच रखते थे खुद में और समाज से। उसको पढ़ करके फिर हम ये देखें कि आज के समय में संस्था तो बाबा साहब के समय की है, मगर वो संस्था आज बाबा साहब के बनाए विधान के मुताबिक काम कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो कितना कर रही है, और नहीं कर रही है तो कितना नहीं कर रही है। इसमें से पहलुओं पर ध्यान दे करके फिर हमको निर्णय लेना है कि अगर वास्तव में काम कुछ हद तक कर रही है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, अगर नहीं काम कर रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें ज्वाइन करना है तो जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनसे हमें बात करके समझाना चाहिए कि हम आपके साथ जुड़ने को तो तैयार हैं, मगर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे तब जुड़ेंगे, अन्यथा हम आपकी विचारधारा पे नहीं जुड़ने तैयार। ये जी मेरा अपना जवाब। जी, भारतीय बौद्ध महासभा से आप जुड़े हैं? नहीं मैं नहीं जुड़ा हूँ अच्छा, आप नहीं जुड़े हैं, आदरणीय जी। ठीक है ठीक। नहीं मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैंने मतलब एक व्यक्तिगत राय दी है, मैंने जी जुड़ने किसी को जुड़ने के लिए या खुद जुड़ा हुआ ऐसा मैं नहीं जी कह जी रहा हूँ। जी जी कि बाबा साहब ने जो विचार बनाया होगा, जो अपनी सोच बनाई होगी कि बौद्ध में भारत बनाने के लिए ही ये मतलब विकल्प चुना गया था, क्या आज हम उस पर काम कर रहे हैं या संस्था में जो लोग रह रहे हैं इस समय वर्तमान में, क्या वो कुछ कर रहे हैं, अच्छा, तो एक एक खाली प्रश्न कागजों पूछना में चाहता हूँ कर मैं रहे हैं आपसे, फंसे के टकर। जी एक प्रश्न पूछना जी चाहता हूँ आदरणीय जी कि भारतीय बौद्ध महासभा को कोई भी बौद्ध हो और उसे ना मालूम हो तो मुझे लगता है कि गलत होगा, सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि भारतीय बौद्ध महासभा है और वो उसको बाबा साहेब ने बनाया था। जी
तो कभी आपने विचार नहीं करा कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जो है सदस्य बन जाऊं? आदरणीय जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। बहुत बार मन में विचार आया कि बाबा साहब की जो सत्ता बनी होगी तो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के उसका अपना विचार रखा होगा, अपना मतलब विधान भी बनाया होगा, और उस विधान पर यदि काम होता है तो मैं निश्चित तौर से जुड़ूंगा। मैंने बहुत बार सोचा, मगर मैंने ये देखा कि हमारे बरेली के आसपास में उसका कोई नाम नहीं था। पता लगा नाम आया निकल के, तो मैं उन लोगों से मिला, पता लगा जो पदाधिकारी थे मेरे बरेली के, मैंने जब उनकी बात सुनी और समझी तो मुझे तो लग रहा है कि जो बाबा साहब चाहते थे उसमें तो शायद इसमें तो कुछ भी नहीं है। और मुझे बड़ा प्रयास करते रहे वो लोग, दीप सिंह आप जागरूक हैं, ऐसा है वैसा है, आप आ जाओ, हम लोग मिलके काम करते हैं। हमने मिलके काम तब करेंगे ना जो बाबा साहब ने सोचा था उस तरीके से, इसमें कुछ हो रहा हो तो हमें समय पर देना या कुछ करना अच्छा लगेगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि काम हो रहा है तो क्या। तो आदनी जी मैं सही बताऊं, मैं नहीं जुड़ पाया हूं, और मेरे बरेली में काफी लोग काम भी कर रहे हैं, मैं उनकी गतिविधियों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि समय गंवाना बेकार है। जी आदनी जी, जी 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 अभी जो एक संस्था को मैं जानता हूँ उसके अध्यक्ष हैं सीएम पीपल जी, और जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो है कई साल से इसके अध्यक्ष हैं, दूसरा कोई अध्यक्ष ही नहीं बना इसमें, यानी कि लोकतांत्रिक स्वरूप पूरी तरह से गायब है। दूसरा ये है कि बूढ़ों की संस्था है, यहाँ पर जो है कोई नौजवान आए उसके लिए कोई चांस ही नहीं है, ना ही ये नौजवान पैदा करते हैं समाज में, ना तैयार करते हैं उनको और ना ही उनको खोजते हैं। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आदरणीय जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई इतना जानकार है ही नहीं कि हर व्यक्ति कि वो समझ सके कि क्या सही क्या गलत। सबसे पहले कहीं भी जुड़े कुछ सीखेगा, फिर उससे बेहतर उसको मिलेगा, वहां जाकर के व्यक्ति सीखेगा। तो अपने आप समझ पैदा होती नहीं, जुड़ने से ही समझ पैदा होती है। जी बहुत बढ़िया, बिना कहीं जुड़े कोई समझ पैदा नहीं होती, हमेशा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिल्कुल ठीक बोले, बहुत अच्छे बोले आप जो है, क्योंकि इतना दूरदृष्टि, इतनी लंबी सोच जो है किसी के पास नहीं है, और दूसरा परखने पर ही, जांच करने पर पता लगता है, जाकर देखने पर पता लगता है कि सही है गलत है। जी तो धम्मपद संघ जो है उसको कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो धम्मपद संघ को कैसे ज्वाइन करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कोई भी हैंड स्क्रिप्ट है? धम्मपद संघ को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो दूसरे संगठनों से कैसे भिन्न है, आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी बताएं। धम्मपद संघ में जुड़ते हैं तो यहाँ से एक हमें नजर आती है इस धम्मपद संघ में कि हमें एक शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति के पास में ज्यादातर हम लोग को बदलाव नजर आता है कि एक छोटा सा व्यक्ति जो है जो गांव में है उसको इस अपने संस्कृति से जानकारी नहीं है, जो कि विश्व शांति निवारण स्कूल से उसको बहुत कुछ जानकारियां मिलती है, इसलिए यहाँ जुड़ने से कुछ अलग ही मिलता है इस संघ से, धम्मपद संघ से। जी बहुत मेरा ये मानना है आदरणीय वकील साहब। आदरणीय धम्मपद संघ आईडी से जो है आपका हैंडल बताएं आचार्य जी। जी आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी धम्मपद संघ से जुड़ने के लिए जो अभी आपने पूछा कि क्या पैरामीटर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धम्मपद संघ में हर वो सदस्य जुड़ सकता है जिसके जिसके जो है संघ के प्रति समर्पण हो, और दूसरा वो बाबा साहब के विचारों को विचारधारा पर चलने के लिए एग्री हो, तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग को फॉलो करने वाला हो, और प्राकृतिक जो नियम है उनको मानने वाला हो, तो हर उस सदस्य को जो एंट्री मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संगठनों में या संघों में नियम है कि आप इतने आपके पास में इतनी एजुकेशन हो या फिर आपके पास में इतनी मनी हो, ऐसा कुछ नहीं है धम्मपद संघ में। हर गरीब हो अमीर हो सबको जो है मिलती है। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी आपका हैंडल बताएं आप। मैं ज्ञान से नहीं अनुभव से बताऊंगा आदरणीय जी। जी
मेरे पास डिफाइन करने का और बहुत ज्ञान नहीं है। मैं लगातार कई संगठन में कई जो है तरीके से काम सीखा हूँ, किया भी हूँ, लेकिन सभी ऐसा करना है, ऐसा आंदोलन करना है, इसको घर घर पहुँचाना है, लेकिन अपने अंदर क्या करना है ये मैकेनिज्म मैं आज तक जान नहीं पाया था, वो सीखा हूँ आप के साथ मिल करके और धम्मपद संघ में जुड़ करके, कि अपने अंदर के जो मशीनरी है उसमें कैसे छीनी हथौड़ी चला करके उसमें संशोधन और परिमार्जन करना है, ताकि हम इस लायक बन सकें कि हमें देख करके दूसरे सीख सकें। तो ये धम्मपद संघ का जो फार्मूला है मुझे बहुत पसंद आया और इसी से मैं अब तक जुड़ा हूँ, और मेरे दुखों में बहुत सारी कमी आई है, मैं सहनशील और धैर्यवान बन रहा हूँ, ये मेरा अनुभव, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य जी। आदरणीय धीर सिंह गौर जी आप बताएं। आदरणीय जी नमोदय जय भीम। अभी जो हमारे आदरणीय आचार्य जी जो बोल रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बातों पर 100% सहमत हूँ और उसी बात को मैं कहना चाह रहा था, मैं जोड़ भी रहा हूँ कि अभी जो बात चल रही थी थोड़ी देर पहले बाबा साहब के संगठन की, तो बाबा साहब का संगठन तो बहुत नया है, अगर हम तथागत बुद्ध की बात करें तो 125 साल हो रहे हैं, मगर आज भी हम बाबा तथागत बुद्ध के संगठन से जुड़ने की बात कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं इस समय जो वर्तमान में जुड़े हुए हैं। मैं आज जिस संगठन में बात कर रहा हूँ जुड़ के, वो तथागत बुद्ध की ही वाणी, तथागत बुद्ध के विचार, तथागत बुद्ध का वो आचरण, वही ये धम्मपद संघ सिखा रहा है और वही सब कुछ सीखने के लिए जो भी उपासक जुड़ रहे हैं उसी उद्देश्य से जुड़ रहे हैं कि तथागत बुद्ध ने उस समय क्या किया था, उसको हम अपने आप में कैसे धारण करेंगे, हम समाज को कैसे दिखा पाएंगे कि बुद्ध ऐसे थे, बुद्ध के अनुयायी उस समय ऐसे थे, बुद्ध के भिक्खुगण ऐसे थे, वो धम्मपद उस चीज को सिखाना चाह रहा है और लोग सीखना चाह रहे हैं। और धम्मपद पथ जो है इस समय वर्तमान में ये भी चाह रहा है, जो बाबा साहब ने सोचा था कि बौद्ध में भारत बनाने के लिए, बौद्ध में भारत केवल हम धर्म को धारण कर लेंगे या इससे बन जाएंगे, इसके लिए कुछ और भी जरूरी है, क्योंकि इसको प्रचार प्रसार करने वालों की सबसे पहले जरूरत है, जब वो पैदा होंगे वो इस काम को करेंगे। तो धम्मपद संघ इसलिए भी आगे लोगों को लेके आ रहा है कि आप धर्म सीखिए, धर्म को धारण कीजिए और लोगों को मतलब दीक्षा दीजिए, जा करके उनके संस्कार विधि बताइए, उनको संस्कार दीजिए, संस्कार कराइए, ये सारे काम कर रहा है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय धीर सिंह गौर जी। जी लाल सिंह साहू जी, आचार्य जी बताएं, आपका हैंडेज है। जी मेरा भी ऐसा ही मानना है कि ये जो संघ है वो सांस्कृतिक परिवर्तन सबसे जरूरी काम है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन है, और कोई भी संघ अभी तक पूरे भारत में ऐसा नहीं मुझे मिला जो सांस्कृतिक परिवर्तन पे काम कर रहा, इसलिए मैं इस संघ से जुड़ा हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने और एक बहुत अच्छी बात बताई, सांस्कृतिक परिवर्तन, लेकिन ये सभी बातें जो हैं कि हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जी आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी आप बताएं, आपका हैंडल जो है। जी बहुत बहुत साधुवाद, मैं ज़्यादा तो नहीं पूछ चाहूँगा, लेकिन जो धम्मपद संघ के माध्यम से जो विश्व अशांति निवारण स्कूल जो चलाई जा रही है, इसका मुख्य कारण है कि पहले आप खुद शिक्षित बनो, खुद पढ़ो, खुद जानकारी हासिल करो, और जब जैसे अभी आदरणीय बहुत जी ने बताया कि कैसे बौद्ध भाई भारत करेंगे, अब हम तो कुछ पता नहीं है कि बौद्ध में भारत कैसे किया जाता है, कोई क्रिया है जो भारत में छोड़ देंगे तो बौद्ध में हो जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, उसके लिए बुद्ध को जानना पड़ेगा, बुद्ध के धर्म को जानना पड़ेगा, बुद्ध के विचार को जानना पड़ेगा, और फिर जब जान लेंगे तब फिर हम और को समझाने की कोई प्रयास करेंगे कि जो सामने वाला है हमारा वो भी जाने। ये सिलसिला अगर अनवरत चलता है
तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही भारत बहुत में हो जाएगा। और इसका मुख्य कारण सिर्फ यह है कि आप पहले जानो, सही और गलत का पहचान करो, सही क्या है गलत क्या है। अभी तक जो परंपरा जो संस्कृति में जो आप पल बढ़ रहे हो या पले बढ़े उसमें, और धम्मपद संघ से जो बातचीत जो संस्कृति जो विचारधारा है उसमें कितना अंतर है, कितना परिवर्तन है, इसको जानने की बात। फिर तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि एक बार जो धम्मपद संघ में आ जाता है उसका विचार सुन लेता है, जानकारी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो फिर कभी धम्मपद संघ के विरोध में जाता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और धम्मपद संघ का कार्य ही है ये, ऐसा इतना अच्छा इतना सुंदर, पहले खुद जानो आप। और इसीलिए जो आचार बनाने की प्रक्रिया, इसीलिए धम्मपद संघ विश्व शांति निवारण स्कूल में जो आचार बनाता है सिर्फ इसीलिए कि आप आचार बन के आप भी अपने जैसे आचार बनाने की प्रक्रिया में लग जाओ। जी आदरणीय, मैं बस इतने कहूंगा जी। जय भीम, नमोदाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य हरिचंद्रा जी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से धम्मपद संघ के गुण बताने का प्रयास किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति संघ की मीटिंग को ज्वाइन करता है तो सबसे पहला प्रश्न संघ उससे क्या करता है, इसका उत्तर कौन देगा? जी आदरणीय आचार्य सुख जी, बताएं आप। कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ता है तो उससे पहला प्रश्न होता है कि आप हमारे इस संघ में जुड़ने से क्या उद्देश्य है। जी ये है सबसे मुख्य बात जिसकी ओर मैं जो है इशारा करना चाह रहा था आप लोगों को, कि धम्मपद संघ जो है सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से धम्मपद संघ में उसने क्यों मीटिंग ज्वाइन की, उसका उद्देश्य क्या है, उससे पूछता है। अगर वैसे ही आ गया है तो फिर धम्मपद संघ जो है अपना उद्देश्य बताता है, फिर धम्मपद संघ उसका उद्देश्य पूछता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका सामाजिक धार्मिक काम करने का कोई उद्देश्य है या नहीं है, और क्या जो धम्मपद संघ का उद्देश्य है उस उद्देश्य से आप सहमत हैं, क्या आप उस उद्देश्य के लिए काम करना चाहते हैं। जब वो ये हाँ कर देता है कि हाँ मैं धम्मपद संघ के उद्देश्य से सहमत हूँ और मैं भी यही उद्देश्य रखता हूँ अपने जीवन में, तब उस सदस्य को जो है आगे बाकी की बात हो जाती है। फिर उससे बताई जाती है योजना कि आपके पास कोई योजना है क्या, पहले उससे पूछा जाता है आपके पास क्या कोई योजना है जिससे आप भारत को बौद्ध में कर सकते हैं, क्योंकि ये सपना तो हर एक बौद्ध का है कि भारत बौद्ध में हो जाए, लेकिन योजना किसने बनाई है डिपेंड करेगा उस पर कि क्या वास्तव में उसकी जो उसका जो सपना है वो साकार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर धम्मपद संघ जब उसके पास कोई योजना नहीं है तब अपनी योजना उसको बताता है कि हमारी ये जो योजना है इस योजना पर चलकर हम इस तरह से भारत को बौद्ध में बना सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी हमारे साथ में मौजूद हैं, वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी बताएंगे क्या मुझे कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं क्या उन्होंने आपसे ऐसा सवाल किया था जुड़ते वक्त जो है? जी आदरणीय नमोदय जय भीम, ऐसा प्रश्न शायद मैं समझता हूँ कोई भी संस्था नहीं करती है हमारे दंपत के अलावा। जी मैं अभी जो है जो संस्था है एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तो मैंने अपना कोई उनको जो है ये नहीं कहा कि मैं सदस्य बनना चाहता हूँ नहीं बनना चाहता हूँ। उन्होंने जो है नीलम जी के साथ में, क्योंकि मैं रहता ही हूँ तो प्रभाव में आकर एडवोकेट हूँ, ये देखकर दिल्ली प्रदेश का मुझे महासचिव बना दिया। अब दिल्ली प्रदेश का महासचिव बना दिया, ना तो मुझसे ये पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, ना ये बताया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मुझे मेरे से बिना पूछे ही आपको जो है महासचिव बना देते हैं दिल्ली प्रदेश का, ठीक है जी वो बन गए। क्या करना है वो कभी बताया ही नहीं कि क्या काम करना है, बस एक पद था उनके पास वो क्रिएटेड था ऑलरेडी और उसको भरना था, बस एक ये बात थी। उसके लिए एक आदमी चाहिए था, वो जय भीम प्रकाश दिखाई दिया तो उसको दे दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको जब मुझे ये घोषणा कर रहे थे वो मीटिंग में, तो मैंने उनको साफ साफ बताया कि देखिए मेरी जो भावी योजना है उसमें मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं भारत को बौद्ध में करने का एक प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ।
और आप जो है कहीं ऐसा ना हो बाद में चलकर जो है आप परेशान हो या वो हो, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि मैं किसी साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहता, इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ में मैंने जो उनको ये सब बता दिया। फिर जब हमने अपना धम्मपद संघ शुरू किया, उसका काम शुरू होने लगा, जब उसका प्रचार प्रसार होने लगा, तो उन्होंने मुझे कब दिल्ली प्रदेश के महासचिव पद से हटा दिया ये भी पता नहीं चला। तो लगातार मैं उनसे ये भी पूछता रहा कि आपका जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई अन्यथा ना ले, हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए, हम अपनी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए ये सब बातें रख रहा हूँ, और मेरे लिए सभी सम्मान नहीं है, उनसे मेरा कोई कभी झगड़ा नहीं हुआ है और काफ़ी अच्छे बातचीत हैं, सब कुछ है। तो मैं सिर्फ जो यहाँ पर जो हमने पाठ पढ़ा है कि वो व्यक्ति जो है मिच्छा दिष्टि का शिकार है, इसलिए वो जो है अपने से ही प्रश्न नहीं कर पा रहा, अपने से ही प्रश्न करे तो उसके उत्तर भी ढूंढने लगेगा, तो उसको जो है एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ ईमानदारी की बात है कि अगर वास्तव में हमें योजना को पूरा करना है, योजना को सफल करना है, तो जो भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है उसका एक उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य कोई नहीं आता। और अगर कोई बिना उद्देश्य आया है और उसका कोई उद्देश्य हम नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट फिट फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे संघ के लिए फिट है ही नहीं, तो उसको जो है या तो बाहर कर दिया जाए या फिर बस मीटिंग ज्वाइन करते रहो भाई, लेकिन आपके ऊपर कोई हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, कोई हम जो है आपको ना तो आचार्य बना पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ उनको रूखा सूखा दिखाई देता है, चले भी जाते हैं, थोड़ी देर ज्वाइन करेंगे फिर चले जाएंगे। तो पहली बात कि आपका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, दोनों का एक उद्देश्य है, तो उसको योजना क्या है, योजना है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बस धम्मपद संघ जो है पूरी ईमानदारी के साथ में इस प्रकार से ये जो है काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समाज का कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहे, भारतीय बौद्ध महासभा से जाकर ये प्रश्न करे, तो आराम से जांच कर सकता है अगर करना चाहे तो। फिर राजरत्न अम्बेडकर जी की है, उनसे भी प्रश्न कर सकता है, और भी अन्य संस्थाएं हैं जैसे कि समता सैनिक दल है, उनका उद्देश्य क्या है, जांच कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि हमें हमेशा जो है सम्मा दिट्ठी, जो कि मूल सिद्धांत है आर्य अष्टांगिक मार्ग का, सबसे मूल सिद्धांत है, इसी से बाकी के जो अंग हैं उसके दरवाजे खुलते हैं। अगर सम्मा दिट्ठी प्राप्त नहीं हो रही है तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, मिच्छा दृष्टि से तो आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है सम्मा दिट्ठी, इसके लिए हमेशा हमें जो है जागरूक रहना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, जितने प्रश्न हो सकते हैं, बेतुके प्रश्न भी कर लो कोई बात नहीं, क्या होगा, थोड़ा सा बेइज्जती हो जाएगी और क्या होगा, कह रहे आपका प्रश्न तो बहुत बेतुका है, अच्छा नहीं है, यही तो होगा ना। लेकिन प्रश्न करने की हमें जो आदत नहीं है वो आदत जो है हमारी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो ये सम्मा दिट्ठी है ये प्रश्न करने से ही पैदा होनी है, प्रश्न करना, प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो ठीक है, फिर उत्तर जो मिला है उसकी जांच करना, अगर नहीं मिला है तो खुद से जो है खोज में निकल जाना, खोज करना, इस तरह से जो है हम सम्मा दिट्ठी को प्राप्त होते हैं, और फिर हमारा शोषण, हम पर अत्याचार, ये सब जो है होने की संभावना कम से कम हो जाती है। मैं जितने भी संगठनों में जुड़कर आया हूँ आज तक जो है किसी ने मुझसे ऐसी बातें नहीं कही हैं, ना कोई उनकी योजना उन्होंने बताई है। जिसकी योजना ही नहीं है, पहली बात तो जितने संगठन हैं वो उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनके उद्देश्यों में उद्देश्य की भरमार है, कोई उद्देश्य नहीं है। फिर दूसरा, अगर किसी किसी संगठन का नाम से कुछ मालूम पड़ जाता है कि भाई इसका ये उद्देश्य है, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा, उसका एक उद्देश्य है, तो सीधी सी बात है कि बाबा साहेब का सपना था वही उसका उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के लिए उसने क्या योजना बनाई है तो वो कहीं दिखाई नहीं मिलती, कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, कहीं उसका प्रचार प्रसार आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो इसलिए जो है धम्मपद संघ जो है समाज को एक ही बात सिखाने का और समझाने का प्रयास कर रहा है। इस पाठ से जो है यही मैंने निकालने का प्रयास किया है कि समाज मिथ्या दृष्टि का शिकार है, उससे केवल मिथ्या दृष्टि से हटाकर उसको जो है सम्मा दिट्ठि यानी सम्यक दृष्टि, सच्ची दृष्टि की तरफ जो है उसको अग्रसर करना है, उसको खोजी बनाना है, उसको जो है प्रश्न करना सिखाना है, प्रश्न करने की उसको आदत डालनी है। तो यही सब था इस पाठ में, इसी पे यही चर्चा कर रहा था मैं।